भैया नमस्कार, अजय की तरफ से सब अवधि भाषा प्रेमियन का हम हाजिर हैं मीडिया डिक्शनरी के 35वां टर्म। अब यह है वर्चुअल सेल्फ। एकर सीधा से मतलब है कि एक डिजिटल अवतार कह दे आपके आपके ऑनलाइन छवि कह दे और डिजिटल कुंडली वे कह सकत कि जो भी आप नेट पर व्यवहार करत हो, सोशल मीडिया पर जो भी चीज़ आप देखा था, जो उन मैसेज भेजत हो और जो उन चीज़ पसंद करत हो, जो सर्फिंग करत हो, जो परचेजिंग करत हो, ऑनलाइन परचेजिंग करत हो, यह सब के सब जो व्यवहार आपके हैं यह डेटा के रूप में दर्ज होते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ तक कि अगर कौनो वीडियो देख के तुम मुस्काए हो या कौनो चीज़ पर तुमका बुरा समूह बनाए हो, वह सब हुआ दर्ज है। तुम्हारे चेहरा के एक एक भाव तक दर्ज है और वही से तुम्हार हुआ पर एक छवि बन जाती, इमेज होकर कहीं वर्चुअल इमेज बन जाती। और उसका फायदा ये जो गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर जैसी कंपनी है, ये सारी जानकारी, ये सारा डाटा उन कंपनियों के देती है जिनका प्रोडक्ट अपना बेचे खोज। वो समझ लें तुम्हार पसंद का है। अब माल में तुम गए हो तो वो जो सेल्स मैन है, सेल्स गर्ल है, वही दिखाई दो तुमका अच्छा लगे, तुम चौंक जाइ हो ये कसर जान गए। तो ये इतनी जानकारी है। तो भैया जब भी नेट पर व्यवहार करो, सोशल मीडिया पर जाओ, ये समझ लो कि चौराहे पर ठाड़, अब चारों कैसे मने तुम्हार देखा थे तो वही तरह का व्यवहार करो। एक उपयोग और करते हैं, जो नौकरी दे वाली कंपनी है वो जब तुम्हारे इंटरव्यू ले बैठी ओके पहले तुम्हार ऑनलाइन कुंडली मंगाए लेती हैं कंपनियों से। अब देख दें कि अरे ये का व्यवहार तो ठीक नहीं है, तुम भले हुआ इंटरव्यू बहुत बढ़िया दे हो, कहें गेट आउट, तुम तो सोचो कि हमारे इंटरव्यू बहुत बढ़िया गा, और हुआ तुम्हारे जो ऑनलाइन गतिविधि है उसे समझ लें कि रखा जाए नहीं है। तो यहू का ध्यान रखो कि ऑनलाइन जब व्यवहार हो तो बहुत सतर्क हो के, बहुत सोच समझ के ये समझे रहो कि हाँ सबको देख रहा है, तो उसी तरह के व्यवहार करो। तो भैया अगले टर्म के साथ फिर हाजिर हो। नमस्कार।